कोरबा की बदहाल सड़क, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और प्रदूषण की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक जेसी अग्रवाल के नेतृत्व में आर्थिक नाकेबंदी के नाम पर प्रदर्शन किया। गौमाता चौक, इमली डुग्गू और दर्री बराज के पास धरना प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर के साथ कांग्रेसी प्रदर्शन कर शासन प्रशासन पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को आर्थिक नाकेबंदी का नाम जरूर दिया, लेकिन नाकेबंदी तो नहीं की, प्रदर्शन जरूर किया। विधायक जेसी अग्रवाल ने कहा, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, बिजली की समस्या बरकरार है, प्रदूषण का कोई माई बाप नहीं है। आर्थिक नाकेबंदी के सवाल पर कहा कि हम वाहनों को इसलिए नहीं रोक रहे, लोग पहले से ही परेशान हैं और उनको परेशान नहीं करना चाहते। देखिए, चांपा, कोरबा, कटघोरा और बिलासपुर तक की जो सड़क थी वो बीओटी में थी। एक साल पहले बीओटी का ठेका खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ की राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने उस सड़क को लावारिस छोड़ दिया, उसकी कोई सुध नहीं ली। हम लोगों ने बार बार दो तीन साल तक लगातार हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, यहाँ के कलेक्टर को अवगत कराया, पूर्व कलेक्टर को अवगत कराया, मीटिंग में तय हुआ और प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि ये सड़क को हम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी पिछले महीना भी सीएम साहब आए थे तो हमने कहा तो उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया, लेकिन इन लोगों ने उस सड़क को रिपेयरिंग करना तक उचित नहीं समझा और फोर लेन का हवाला देते रहे, जबकि फोर लेन में इनका कोई रोल नहीं है। फोर लेन बनेगी लेकिन एक लंबा समय लगेगा उसको। उसके साथ साथ जो बिजली की जो दुर्दशा है, आपका बिजली का बिल जिस घर में आना चाहिए 500 का आता है 25 और 50 हजार का। बिजली का एक घंटा, दो घंटा, 10 घंटा, 2 दिन 4 दिन कोई टाइम टेबल नहीं है, बिजली कब कॉल होगी और कब वापिस आएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं की बहुत बुरा हाल है, ठीक है। प्रदूषण के नाम से नदी नालों में राखड़ को बहाया जा रहा है टनों की संख्या में। तो इस प्रकार से जो दुर्दशा कोरबा जिला की हुई है, इसमें जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश की, वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, उनका सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। इसलिए हम लोगों को आज या जनता के साथ जुड़ के, क्योंकि जनता ने हमको चुना है, इसलिए चुना है कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जनता की सेवा करें, सामाजिक काम करें, यहाँ की समस्याओं को उठाएं, यहाँ की समस्याओं का समाधान करें। अगर हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोषी है, और इसीलिए आज हम लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी का निर्णय लिया। और जनता जो जा रही है सड़क पे, जो लोग वाहन चल रहे हैं, चार चक्का वाहन जिनमें या मोटरसाइकिल, उनको हम लोग बिल्कुल कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले ही परेशान है, तो इनको डबल परेशान हम लोग नहीं करना चाहते। इस मांगे पूरी नहीं होगी तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे और ऐसा ऐतिहासिक घेराव करेंगे कि 20 साल के इतिहास में आज तक कोरबा कलेक्टर का घेराव नहीं हुआ होगा। कटघोरा के पूर्व विधायक बोधराम कंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए पूजा साहू के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।